नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। सावन मास का प्रथम सोमवार आज हर हर महादेव के जयकारों से गुंजमान हुआ मंदिर। इंद्रदेव की महर, सावन के पहले सोमवार पर जमकर बरसे मेघ, शहर की सड़कों पर भरा पानी। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। इस दौरान उनके साथ में कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। राहुल ऐसे वक्त में ट्रैक्टर चलाकर संसद आए जब परिसर में 150 मीटर दूरी पर स्थित जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है। ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचने के बाद में राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसानों का जो संदेश है हम उसे संसद तक लाए हैं। किसानों को दबाया जा रहा है, इसलिए हम ट्रैक्टर से आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि संसद में इस विषय पर चर्चा नहीं करने दी जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार को कानून वापस लेना होगा। और अब खबर झालावाड़ के पिड़ावा से, जहां पे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गायत्री मंदिर नयापुरा पिड़ावा में सावन लगते ही भगवान महादेव का अभिषेक विधिवत रूप से शुरू हो गया है। मंदिर में स्थित महादेव मंदिर में पूरे सावन महीने में रोज अभिषेक होता है तथा अभिषेक के बाद में महाप्रसादी का आयोजन होता है, जिसमें सभी नगरवासी प्रसादी और अभिषेक में भाग लेते हैं। जानकारी मंदिर के पंडित पिंटू बाबा ने दी है। खबर अलवर से है, जहां पे सावन माह का प्रथम सोमवार आज से प्रारंभ हो गया है। इस दौरान मंदिरों में लोगों की बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में ही भगवान शंकर की पूजा अर्चना लोगों के द्वारा की जा रही है। तो वही मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। त्रिपोलिया महादेव मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि आज सावन के प्रथम सोमवार पर मंदिर में प्रसन्न के साथ में ही भगवान शंकर का रुद्र अभिषेक का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें आमजन को प्रवेश नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को के लिए जारी की गई दिशा निर्देश की पालना करते हुए 4 अगस्त से त्रिपोलिया महादेव मंदिर आमजन के लिए खोला जाएगा, जिससे भक्त जन भगवान शंकर के दर्शन कर पाएंगे। आज सावन का प्रथम सोमवार, जो कि सावन का जो महत्व है उसमें सोमवारों का विशेष अलग महत्व बताया गया है, जिसमें आज पहला वन सोमवार और भक्तों के द्वारा बाबा भोलेनाथ की आराधना पूजा प्रारंभ की गई है। मंदिर प्रन्यास की ओर से भी रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, जैसा कि अभी आपने देखा, राजस्थान सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के विषय में जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए अभी मंदिर में आमजन प्रवेश नहीं खोला गया है और भक्तों की आस्था भी बनी रहे और नियमों का पालन भी होता रहे, इसके अनुकूल व्यवस्था की जाकर आज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, जिसका कि जो उपस्थित श्रद्धालु हैं वो दर्शन लाभ ले रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से भी भक्त, हजारों भक्त बाबा के दर्शन लाभ ले रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हुए कि आपके चैनल के माध्यम से भी हजारों भक्तों को बाबा के दर्शन लाभ होंगे। हम सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सभी का सहयोग मिलकर हम इस कोविड-19 की महामारी से काफ़ी हद तक विजय हमने प्राप्त की है और आगे भगवान त्रिपुलेश्वरनाथ भगवान से यही कामना करते हैं। भगवान सभी को स्वस्थ रखे, सभी को खुश रखे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। और अब खबर श्रीगंगानगर के गढ़सिंहपुर से है, जहां पर गांव के एक FFB चंडौली के समीप 1950 में स्थापित शिव मंदिर क्षेत्र में आस्था का प्रमुख केंद्र बना है। यहां पर इस क्षेत्र के अलावा दूरदराज से भी श्रद्धालु आते हैं। स्थापना के बाद से यह स्थल इच्छापूर्ण मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर में माँ शिव रात्रि के अलावा हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ हवन, यज्ञ, रुद्र अभिषेक आदि धार्मिक आयोजनों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। सेवक सीताराम ने बताया कि इस मंदिर में पुराणों के अनुसार शिव आराधना से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। सेवादार के अनुसार यह शिवालय एक FFB के कल्याण भूमि में स्थित होने के कारण आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राकृतिक रूप से बना यह ललाट, ज्योतिषाचार्य हेमंत शर्मा ने बताया कि यह ज्योतिर्लिंग प्राचीन पत्थर पर का शिवलिंग है, जिसमें सफेद ललाट
प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। भोले बाबा के भक्तों के लिए यह बड़ी बात है। भगवान शिव को संहार माना जाता है। यह शिवालय कल्याण भूमि में स्थित है, इसलिए भी यहाँ पे तप और जप का महत्व अधिक होता है। यह मंदिर बहुत ही पुराना और इच्छा पूर्ण मंदिर है। काफी समय से यहाँ पूजा चल रही है, लोग बहुत काफी समय से आ रहे हैं। मंडी से पहले का मंदिर है ये। यहाँ इच्छा पूर्ण होती है। सावन की शिवरात्रि पर, दूसरी शिवरात्रि पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शिवरात्रि के अलावा भी भक्त बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बाबा का जय जयकार करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नारायण नारायण नारायण, ओम हरि हरि हरि। ये अपना शिव मंदिर करीब 1950 में स्थापित और बहुत ही देखभाल से ज्योतिष के अनुसार कल्याण भूमि में मंदिर स्थित है। और ये मंदिर जो है इसलिए भी ज़्यादा महत्वकारी हो जाता है कि मंत्र जप के चार पीठ माने जाते हैं जहाँ मंत्र सिद्धि होती है। तो यहाँ दो अपने मठ हैं, एक मंदिर मठ, एक जो है ना शमशान भूमि मठ। तो दो सिद्ध भूमि एक साथ लगी है, मंदिर देवालय और शमशान। तो यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी जो इच्छा लेकर आता है, इच्छा लेकर जो भी जल भी पत्ता कुछ भी अर्पित करता है भगवान शिव को, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सबसे महत्वकारी बात है कि जो अपना शिवलिंग है, इसकी जो जलहरी है, जलहरी में जो सफ़ेदी जो दिखाई दे रही है नाग है, जो बिल्कुल एकदम आगे से पीछे को जाकर भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर जो है अपना ये सुशोभित हो रहे हैं। और ये जो शिवलिंग है और जो ये जलहरी है प्राकृतिक है, ये प्रकृति का ही निर्माण है। इसी को स्वंभू कहते हैं, स्वम प्रकट है। इस ढंग से निर्माण हुआ है, इसका मानस को प्रकृति ने ही बनाया है, मनुष्य ने नहीं, प्रकृति का ही निर्माण है। ये यहाँ जो भी आता है अपना सिद्धि जो भी मनोकामना लेकर आए, और एक यहीं के नहीं दूर दराज से लोग समय समय पर आते रहते हैं और समय समय पर यहाँ अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि होते रहते हैं। ओम जय। खबर अलवर से है, जहां पर वार्ड नंबर 54 और 55 में काफी समय से सड़कें खराब होने की वजह से सोमवार को वार्ड नंबर के लोगों ने यूआईटी पहुंचे और यूआईटी पहुंचकर उन्होंने सचिव को ज्ञापन सौंपा। वार्ड के लोगों ने बताया कि हमारे वार्ड में 54 और 55 में सड़क बननी चाहिए, वहां आए दिन सड़क ना होने की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती है। सड़कें खराब होने की वजह से बरसात के दिनों में पानी भी भर जाता है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता फकरुद्दीन ने बताया कि हमारी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो हम लोग यूआईटी के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी आंटी बताएं कौन सा वार्ड है और कितने दिन समस्या है? वार्ड है रामनगर साउथ कॉलोनी से आए हैं। 10 साल से हमारा मकान बना है, लेकिन एक प्रॉब्लम देख के आ रहे हैं। हम पार्षद को भी कोई दोष नहीं देना चाहते, हम सिर्फ हमारा मेन कारण है कि हमारा रोड बन जाए। हमारे घर कोई गेस्ट भी आता है तो हम आधी घंटा ये सोचते हैं हम उसको हम हमारे घर कैसे ले जाएँ। हम इतनी क्रिटिकल अवस्था हुई हुई है वहाँ पर, इतना बुरा हाल है कि मैं वीडियो बना के लाई मेरे फ़ोन में कि उसमें से निकल नहीं सकते, हम पैदल चलना मुश्किल है। तो रोड आपको ख़राब है क्या? रात के टाइम अंधेरे में लाइट तो लगी हुई है, लाइटें नहीं है तो क्या हादसे होने होते हैं? हाँ गिर भी सकते हैं स्कूटी पे, मतलब लोग गिरते हैं ना, मतलब ये है। तो अब आप सकते हैं इस अवस्था में, बताओ हम इसमें से कैसे निकले। अब आप यूआईटी सचिव मिलने आए हैं, इसके बाद वहाँ जाएंगे नगर परिषद, उनके आश्वासन मतलब क्या रणनीति रहेगी आगे की आपकी? हमारा ये है भाई, हमारी पुकार सुने, हमारा रोड का काम जल्दी से जल्दी करना। आपका नाम? 10 साल से परेशान। नाम? मेरा नाम इंदु। जी सर बताए क्या समस्या आ रही है? मैं फखरुद्दीन खान सामाजिक कार्यकर्ता वार्ड नंबर 54 और 55 के नागरिक आज आए हुए हैं यूआईटी सेक्रेटरी से मिलने के लिए। एक्चुअल हमारे वार्ड की स्थिति इतनी बेकार हुई पड़ी है कि गांव से भी ज़्यादा हालत ख़राब है। आप पैदल नहीं जा सकते, साधनों से नहीं जा सकते, आप ये देखिए कोई सुनने वाला नहीं है। हम यहाँ सचिव महोदया से ये निवेदन करने आए हैं, इसके बाद हम नगर परिषद कमिश्नर के पास जाएंगे। अगर हमारी ये समस्या हल नहीं होती है, हम एक टाइम लेंगे 1 हफ्ते का, 10 दिन का, जो भी टाइम होगा,
अन्यथा हमें यहाँ भूख हड़ताल बचा बैठना पड़े यूआईटी। कितने दिन से समस्या आ रही है ये समस्या है, काफी दिनों से लंबे से। एक बार बीच में और मिले थे हमें, केवल आश्वासन दे दिया गया कि आपकी सड़क बन जाएगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन पहले मिले थे? लगभग इन बातों को लॉकडाउन से पहले हम मिले थे, लगभग 8 महीने तो हो गए होंगे लगभग। इस मामले में आप पार्षद हैं, पार्षदों से आपने बात करी, क्या आश्वासन दिया पार्षद ने? नहीं, एक्चुअल पार्षदों के क्या, पार्षद ज्यादा बड़बू तो मैं खुद रखता हूँ, मेरे पास सारे सिस्टम में जानता हूँ, प्रशासनिक तंत्र को जानता हूँ, काम कराना जानता हूँ, तो इसलिए पार्षदों का मेरा कोई जानकारी है, दोस्ती भी है, संपर्क भी है, लेकिन मैंने कोई उनसे नहीं कहा कि आप हमारी समस्या उठाइए, मोहल्ले वाले से पूछिए गए हो तो। आप जानते हो जो बराबर का राजनीतिक होता है अपने कट से काम कराएगा वो, ये है। आपका नाम? मेरा नाम फकरुद्दीन, सामाजिक कार्यकर्ता, 60 फुट रोड अलवर। आपने अक्सर सुना होगा और देखा होगा कि बुरे वक्त में जब अपना साथ छोड़ देते हैं तो सिर्फ एक आस होती है और वो होती है ऊपर वाला। ऐसा ही नेक काम किया है जयपुर के डॉक्टर रशीद खान ने। 2 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक गरीब बेसहारा परिवार का बच्चा जिसका नाम हसन है, जिसके दोनों हाथ की हड्डियां फिसलने से टूट गई थी, उसको तुरंत डॉक्टर के पास में लेकर गए, जहां उसका इलाज का खर्च लगभग 50,000 रुपए बताया गया। पैसे ना होने की वजह से वो घर लौट कर आए। अब परिवार सिर्फ ऊपर वाले की आस लगाए था। उस वक्त किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाई, जिस पर डॉक्टर रशीद खान ने अपने परिवार से संपर्क किया और झोटवाड़ा स्थित एक निजी हॉस्पिटल में बच्चे का निःशुल्क इलाज करा दिया। तो वहीं बच्चे के परिवार वालों ने डॉक्टर रशीद को नम आंखों से धन्यवाद दिया। वहीं इस काम के लिए डॉक्टर रशीद खान के परिवार वालों व गांव के सभी लोगों व रिश्तेदार ने डॉक्टर रशीद खान को इस नेक काम के लिए खूब सराहा व जमकर तारीफ भी की। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, एक हसनैन नाम का बच्चा है या छोटोड़ा में रहता है, वो काफ़ी पुअर फैमिली से है, उसके दोनों हाथ की दोनों हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और वो उनका ऑपरेशन कराने में उनके परिजन असमर्थ थे। उन्होंने कहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था तो उनको अप्रोक्सीमेटली 40,000 to 50,000 का उनको खर्चा बताया था। तीन दिन उन्होंने इंतज़ार किया, ऑपरेशन करवा नहीं पा रहे थे, तो मुझे जैसे ही पता चला मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया। मैंने उनको कल शाम को मेरे घर पे बुलाया, घर पे बुला के मैंने उनको आश्वस्त किया कि आप जो है कल संडे को जोरवाड़ा में मोनिका हॉस्पिटल में वहाँ जाके एडमिट हो जाओ, मैं दोपहर में आपका ऑपरेशन कर दूँगा। आज सुबह उनको एडमिट करके दोपहर में उनका ऑपरेशन किया हाथ का, और अभी 8-9 बजे उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। फिलहाल क्या स्थिति है बच्चे की? बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है जी, दोनों हाथ की दोनों हड्डियों का मतलब 4 हड्डी, एक हाथ में 2 हड्डी फ्रैक्चर थी और दूसरे में 2, तो 4 हो गई। चारों हड्डी का ऑपरेशन करके आज शाम को घर पे भेज दिया, उनको डिस्चार्ज कर दिया, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। पिंडवाड़ा में मध्यरात्रि से तेज बारिश हो रही है, जो कि सोमवार सुबह तक जारी रही। बारिश से शहर के मुख्य मार्गों की सड़क पानी में डूब जाने से शहर से बाहर जाने वाले सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं सड़कों पर पानी भर गया है। बारिश के पानी से मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है, जिससे मजदूरों को आने और जाने में काफी परेशानी हो रही है। बिन बारिश से किसान नाराज होकर बैठे थे, तो वहीं बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली है। खबर मध्य प्रदेश के बड़ौदा से, जहां पर थाना क्षेत्र के रोजी गांव में 3 दिन पूर्व सरकारी डीपी पर निजी डीपी का तार जोड़कर वक्त 23 वर्षीय युवक की करंट लगने की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसके अभी तक बिजली विभाग या फिर अन्य अधिकारियों ने कोई खैर खबर नहीं ली है। आज जब मीडिया की टीम को पीड़ित परिवार ने बताया कि धूड़िया गुर्जर हमारे बेटे को 3 दिन से परेशान कर रहा था तार जुड़वाने के लिए, और बाद में उसे जबरदस्ती ले गया और हमारा बेटा वहां जाके करंट से मर गया। हमारे परिवार में एक वो ही जिम्मेदार था और वही पूरी जिम्मेदारी निभाता था एवं परिवार का भरण पोषण भी वही करता था। जब हमारे संवाददाता ने इस मामले को बड़ौदा TI राघवेंद्र चौहान के सामने रखा, तो उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच चल रही है। जो व्यक्ति लाइट जुड़वाने के लिए बुलवा कर ले गया था, उस आधार पर हम जांच कर रहे हैं। जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। क्या चाहते हो? कहीं चलो, अब दूड़ी लाल जाना, दूड़ी लाल पर के वो को करो, कहीं करो कार्रवाई ऊपर करो, होना चाहिए। हाँ, आप तो वही जो ने करियो ना, आप तो और काम मरते हैं, काम जा तो बुला लेंगे सब। आप मृतक की माँ हो? क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ? क्या ना, वही मन मना कर दे मार थोड़ा सा, मुंह से मना कर दे, दड़ी से मार थोड़ा मत ले जाओ। तो लेके गया है उससे?
ले गया, हाथ पकड़ गट्टो मरसरा ले गया वो, जबरदस्ती लेके गया वो, मना मना कर दी, मन बहुत ही कौन सुनी कौन। ये घटना हो गई, सलाह जम्पर जोड़ा अगले दिन की जो फिर जबा दी मन, फिर दूसरे दिन ले गई नहीं, खोट पसी पकड़ रहा था। कितने दिन से पीछे पड़ रहा था इसे ले जाने के लिए? 3 दिन पीछे पड़ रहा था। हाँ, तो 3 दिन में उसको क्या बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं मिला या लाइनमैन नहीं मिला? अब पैसा मांगा चाहे, इसलिए जबरदस्ती से आपके बेटे को लेके गया मार बेटा। और आप बार बार मना करते रहे? मना कर दी मन, कहते बिल्कुल ही न जाओ बेटा। बहन के साथ क्या घटना हुई थी? 3 दिन से पाचे पड़ रही है, हमारा भाई अगले दिन नहीं कर दी, ले जाओ छोरा, फिर भी जोर से छोरा ने हाथ पकड़ा ले गयो, चाय पी रहा ठीक गयो जी, मैं परिवार दौड़ियो दौड़ी लाल पूज गाँव का ही। अच्छा, क्या क्या लेके गया? चाल मार जम्पर बांध, पहली कह दी मिस्त्री लिया, मिस्त्री ने लाऊ कुछ भी मस्त पीसा फोड़ूंगा मुँह, जोर से हाथ पकड़ा हमारा भाई ले गए वो, उसके बाद में घटना होगी माँ ही घटना होगी। अच्छा, फिर आपको सूचना कैसे मिली? गांव वालों ने, गांव वालों ने सूचना, गांव वालों ने सूचना, वहां पहुंचे। आप बच्चे की माँ हो? हाँ। क्या नाम है? सूरजा भाई। कैसे, क्या मामला हुआ था आपके बच्चे का? वो नियो खरिया जो जम्पर जोड़ बचाल मार तार लगाए, मन मना की मन के मत ले जाओ इन, कौन कह रहा था? उदौड़ियान की का मार तार लगाया, मन नियो की मन के न जाओ कक्षा न जाओ। आपका बच्चा कहाँ था? वो गेड़ मचा तो आने जो चाय पी भाई जो घर पर, जब घर पर कड़ी मार बाना पे रोक लियो, जूस कर तार लगा बचाल, मन अशिया की भाई मन के मत ले जाओ मिस्त्री बला, जब उनने की का मन कनेक्शन ये का भाई मुझ परमेश्वर ले लियो, मन मुझ जानू को नहीं, वो मन परमट ले लियो, ये की मोस मन ये मत ले जाओ, ये छोरा मत ले जाओ, मन मना गणी करी न बहुत ही डग लिया, वो मार कर नखड़ी मन मना करी, वो ले गई तो शे करता रहा चाल तो तू तो चाल छी सी बेरो काम तो शे कर लिया गया बच्चा, मन मना करी साहब, ये वो यार बलार ले गये तू, उसके बाद का नो फिर मरी गयी ले गये माँ जी। तो आपको कैसे मालूम चला गया घटना होगी? फिर ये बड़ा बड़ा बह गया जब पड़िया पता, जब गया मैं तो मुँह तो खैर घर नखड़गी साहब काम ला गई, और वह दुर्घटना होगी जब कोई जार की जो की माए बड़ा दिया, जब पता पड़िया मन मुँह तो मना कर जाग मुड़गी, मन की छोरा मत ले जाओ। तो दूड़ी लाल से पूछा तो होगा कि मेरे बच्चे को क्यों लेके गया? जब बुजियान सब ने बलार ले गयो तो मैं कह रही हूँ चाल के मार जम्पर जोड़े मन खींची नहीं की मन तो परमट ले लिया मन के मिस्त्री ला। अभी दूड़ी लाल कहाँ पे? पता है कौन? दूड़ी लाल भग गया यहाँ से, कहा पता हो पैसे मन। शासन से क्या मांग चाहते हो आप? न्याय होने चाहिए आज माँ को, बच्चा को कहीं भी हो कमा बाड़ो इकट्ठी की, हाँ जाचो वो शासन से जाचो, और कहीं कहीं वो कोई कौन दियो नंदा दी उन्हें तो माँ को कोई करबा मेल बाड़ो ही कौन, ये होनी चाहिए आज कार्रवाई, पूरी पूरी कार्रवाई और जा तो ये हो वो कमा बाड़ और जा। ये रोजी में एक बिजली से करंट लगने की एक 21 साल के व्यक्ति की मृत्यु की सूचना आई थी थाने पे, जिस पे से थाने पे मर कायम कर लिया है, और उसके बाद उसका मृतक का पोस्टमार्टम करवा के और उसको जांच में ले लिया है, और उसकी जांच चल रही है, और जो भी उसमें एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई आगे की जाएगी। घर वालों की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी माता की ओर बता रहे थे कि जबरदस्ती कोई गांव में व्यक्ति उसकी लड़के को हम इस एंगल पे भी जांच कर रहे हैं, लोगों को वहाँ के आसपास के लोगों के कथन भी लिए गए हैं, और आगे जो भी इस जांच में जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुरूप कार्रवाई। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।